हेलो माय हॉबी जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में मॉर्निंग रियाज़ के ऊपर बात करेंगे। मॉर्निंग रियाज़ के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, बट इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिस लेसन आपके साथ मैं शेयर करूँगा, जिसको आप फॉलो करके आप भी इस प्रैक्टिस को मॉर्निंग में कर सकते हैं। अब ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, क्या मॉर्निंग में रियाज़ करना सही होता है? क्योंकि उस टाइम पे आवाज़ जो है बैठा हुआ रहता है, ठीक है, तो क्या उस आवाज़ में प्रैक्टिस करना सही होता है क्या? ये बहुत बार पूछा गया है। तो अब देखिए, मॉर्निंग में रियाज़ करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पे आपका आवाज़ भी फ्रेश होता है, भले ही वो बैठा हुआ हो, लेकिन आपका जो आवाज़ है वो बिल्कुल फ्रेश है और आपका आपका मन भी फ्रेश है बेसिकली देखा जाए तो। तो उस टाइम पे जो भी काम करेंगे, खाली म्यूज़िक का प्रैक्टिस ही नहीं, जो भी काम करेंगे वो अच्छा ही होता है। तो और दूसरी बात है, आपका अगर टाइम नहीं होता है, मतलब मॉर्निंग में आपका टाइम नहीं आप दे पा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वैसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी 24 घंटे में कभी भी आप कर सकते हैं। लेकिन मॉर्निंग में अगर आपको टाइम मिले तो उस टाइम का यूज़ आप ज़रूर कीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ आपके साथ कुछ लेसन मैं शेयर करूँगा। तो मॉर्निंग का जो रियाज है बहुत ख़ास होता है, और मॉर्निंग के रियाज में एग्जैक्टली क्या क्या करना चाहिए, यानी कौन से नोट के ऊपर, या तो कौन से कहाँ से कहाँ तक जो रेंज है, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप मॉर्निंग में सब कुछ रियाज नहीं कर सकते, खास करके एकदम अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है। और ये जो भी मैं प्रैक्टिस बताऊंगा ये अर्ली मॉर्निंग का ही प्रैक्टिस है। अर्ली मॉर्निंग मीन्स अब मान लीजिए कि 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में जो टाइम होता है, अगर आप उससे पहले भी आपका नींद खुलती है तो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है वैसे। लेकिन उस टाइम का जो प्रैक्टिस है, बहुत सारे लोग इससे आगे भी कहते हैं, मतलब 4 बजे से लेके 7 बजे के या तो 8 बजे का टाइम जो है, बट मैं जो नॉर्मल टाइम है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में जो टाइम है इसमें कर सकते हैं। वैसे तो कुछ टाइम का ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन इस टाइम पे अगर करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। तो क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे, किस नोट के ऊपर कितना आपको होल्ड करना है, कैसे करेंगे, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो अगर आप गाना सीख रहे हैं या तो गाना सीखने के लिए सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरे वीडियो को देखिएगा ज़रूर, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी शेयर और लाइक कीजिएगा। और अगर आपको मेरा जो 4 डेज़ का लाइव सिंगिंग वर्कशॉप है, इसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, तो इसके लिए भी मैंने इस वीडियो के नीचे लिंक दिया है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके ये जो पलटा है इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और उसके बाद आप मेरे साथ गा सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो पलटा है मैंने भैरव राग के ऊपर मैंने बनाया है। भैरव राग मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में ये सुनने में भी अच्छा लगेगा और प्रैक्टिस करने में भी आपको अच्छा लगेगा। और एक एक नोट को यहाँ पे 4 मात्रा तक आपको होल्ड करना है, और लाइन के एंड में आपको फिर से 4 तक काउंट करना है, 4 बीट, ठीक है, और फिर नेक्स्ट लाइन पे आप जाएंगे। और एक एक लाइन को आपको कम से कम एटलीस्ट 5 से 6 बार तक आपको रिपीटेडली प्रैक्टिस करना है। तो मैं यहाँ पे 5 से 6 बार तक नहीं करूँगा, मैं एक लाइन को एक ही बार गाऊँगा, एक बार सरगम से गाएंगे सारे गामा बोलकर, और एक बार सेम लाइन को आकार में भी मैं गाऊँगा, ठीक है। तो आप उसी तरीके से मेरे साथ इसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे इसको आप बार बार एक ही लाइन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और इसके लिए आपको ताल का भी यूज़ करना है, तो ताल के लिए मैंने यहाँ पे मेट्रोनोम का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। और क्योंकि क्या होता है ना कि अलंकार का प्रैक्टिस हम लोग विदाउट ताल करते हैं, तो ये सही नहीं होता है। आप जब अलंकार का प्रैक्टिस करेंगे ताल का भी आपको यूज़ करना है। सबसे पहले तो अलंकार को सही तरीके से एकदम सही तरीके से आपको बिठा लेना है, उसके बाद आप ताल का यूज़ कीजिए, लेकिन ताल का यूज़ आपको ज़रूर करना है प्रैक्टिस में, ताल को इंक्लूड ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे जो मेट्रोनोम का जो मैंने टेम्पो है मैंने 90 BPM में मैंने रखा है, आप चाहे तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, कम ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे ये जो पलटा है बेसिकली मंत्र सप्तक के
पा से लेकर मध्य सप्तक के पा तक है, ठीक है। ये जो रेंज है बेसिकली ये मॉर्निंग के टाइम में होना चाहिए, जो फर्स्ट प्रैक्टिस है मॉर्निंग के टाइम में, इससे ज़्यादा नहीं अभी करना है, ठीक है। और अगर आपको आगे भी जो सेकेंड लेवल है, सेकेंड लेवल का प्रैक्टिस क्या है, अगर आपको ये भी जानना है तो मुझे आप कमेंट्स करके नीचे बता भी सकते हैं, तो मैं इसका जो सेकेंड लेवल वाला जो प्रैक्टिस है मॉर्निंग का, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसको देखते हैं। नेक्स्ट लाइन Ah,
वन टू थ्री फोर सा गा रे गा रे सा वन टू थ्री फोर तो इस तरीके से इस प्रैक्टिस को आपको करना है, और आप चाहे तो इसको थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हैं, लेकिन एक एक लाइन को कम से कम 5 से 6 बार आपको करना है। तो इसके बाद आप देखेंगे, ये प्रैक्टिस करने के बाद आपका जो आवाज़ है ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको बहुत हाई रेंज में आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रैक्टिस को करने के बाद आपका 15-20 मिनट के बाद आपका आवाज़ जो है, आपका बिल्कुल आवाज़ जो है बिल्कुल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इसका अगर आपको सेकेंड पार्ट चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।